वकील प्रशांत भूषण अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। अब एक बार फिर उनका नाम विवादों से जुड़ गया है, लेकिन इस बार मुद्दा थोड़ा अलग है। इसकी वजह है सोशल मीडिया पर वायरल होता उनका एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक बड़ी बात कह डाली है। मामला इतना बढ़ गया कि प्रशांत भूषण को माफी तक मांगनी पड़ गई। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे और बात करेंगे इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल प्रशांत भूषण का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आया जब इस फोटो की सच्चाई पता चली। जांच हुई और प्रशांत भूषण को पता चला कि ये एक मॉफ्ड फोटो है, जिसके चलते उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। इस मॉफ्ड फोटो को शेयर करते हुए प्रशांत ने ट्विटर पर लिखा था, बीजेपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत के साथ मुलाकात की। क्या इसमें कोई संदेह है कि वो सिर्फ एक रबर स्टैंप होंगी और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगी? लेकिन आपको बता दें, प्रशांत भूषण की ये गलतफहमी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। इस फोटो की जब पड़ताल की गई, ये फोटो गलत निकली। जानकारी के मुताबिक प्रशांत भूषण ने जिस फोटो को ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था, उसमें छेड़छाड़ की गई थी। वो फोटो मिसलीडिंग थी, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रशांत को निशाने पर ले लिया। ऐसे में भूषण ने माफी मांगते हुए अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट हटाते हुए लिखा कि मुझे जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ फोटो मॉफ्ड है। ऐसे में मैं द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगते हुए इसे डिलीट कर रहा हूं। हालांकि यहां सवाल जरूर उठ रहे हैं कि कैसे कोई देश में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार पर इस तरीके के सवाल खड़े कर सकता है। आपको बता दें कि देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसका रिजल्ट 21 जुलाई को आएगा, जिसमें एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी दलों की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए द्रौपदी मुर्मू हर राज्य का दौरा कर रही हैं और वहां के सांसद और विधायकों से समर्थन मांग रही हैं। मंगलवार को वो इसके लिए पटना पहुंची थी और इससे पहले वो झारखंड का दौरा कर चुकी हैं। बता दें कि देश के सर्वोच्च पद के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सांसद और विधायकों के अलावा झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन मांगा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि देश में अगला राष्ट्रपति कौन बनता है। वैसे आपको क्या लगता है, यशवंत सिन्हा देश के अगले राष्ट्रपति होंगे या पर द्रौपदी मुर्मू? आपके जो भी विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।